Watch the interview of Anil Kapoor at the red carpet of Netflix's upcoming series. In the interview, the actor talked about the new web series, Selection Day. Moreover, he also opened up on the story of the series, The Selection Day. Take a look at the video. नहीं इस बार मैं इतना नर्वस नहीं हूँ एंक्शस हूँ और यू नो काफ़ी कहानियों पर फिल्में बनाई हैं काफ़ी सालों से मगर ये मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसा मैच था क्रिकेट का मैच था जो होता ना यार ये कैसे यू नो इमीडिएटली जीत गए आप यार यू नो इनिंग यू नो वो कब तो कभी कभी ये थोड़े मैचेज ऐसे होते हैं और ये शो जो भी है ये सर कम्प्लीट एग्जाम्पल ऑफ टीम वर्क अगर जैसे क्रिकेट में होता है और मुझे लगता है कभी कभी कोई ऐसा शो भी करो आप फिल्में बनाओ टीवी शो करो तो पूरी जब टीम मिलकर जुड़कर जब सही टीम होती है तो हमेशा जीत होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये टीम जो जिसके साथ हमने ये सिलेक्शन डे बनाया है वो टीम इतनी ज़बरदस्त है कि जीत होनी ही होनी है हाँ पहले तो मैं ये कहता था कि प्रोडक्शन इज़ अ वेरी थैंकलेस जॉब ये जब मैंने मेरे पिताजी प्रोड्यूसर थे फिर मैंने और मेरे बड़े भाई साहब ने फिल्में प्रोड्यूस करनी शुरू की फिर मैंने भी काफ़ी फिल्में बनाई हैं मगर मुझे लगता है कि नेटफ्लिक्स के साथ हमने जो ये शो किया है उनके साथ काम करके ऐसा बिल्कुल नहीं लगता मुझे लगता है कि ये बिल्कुल ही थैंकलेस जॉब नहीं है ये बेस्ट जॉब है अगर आप उनके साथ काम करेंगे तो इससे बेहतर काम नहीं हो सकता समझा नहीं मैं क्या कहा आपने ऐसा कौन क्या मतलब जोर से बोलो इस वक्त तो हमारा फोकस पूरा सिलेक्शन डे पे है और ये बहुत ही एक बेहतरीन नॉवल पर उस नावल का अडेप्टेशन है सिलेक्शन डे ही नाम था बहुत ही मंझे हुए ऑथर है उनके और काफ़ी राइट्स हैं जिन पर हम फिल्में बनाने वाले हैं और शोज भी बनाने वाले हैं मगर वो फ्यूचर की बात है इस वक्त हम प्रेजेंट ये है कि सिलेक्शन डे का आज प्रीमियर है आज इसकी स्क्रीनिंग होने वाली है और 28 दिसंबर को उसकी स्ट्रीमिंग होने वाली है 190 से ज़्यादा देशों में तो एक ही झटके में पूरी दुनिया देख सकेगी और ये मुझे लगता है ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म हिंदुस्तानी कलाकारों के लिए टेक्नीशियंस के लिए राइटर्स के लिए कि अगर उनमें दम है और अगर उनकी और किस्मत ने उनका साथ दिया तो वो हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में मशहूर हो सकते हैं और काम अपना दिखा सकते हैं ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है नेटफ्लिक्स का ये जो सिलेक्शन डे की जो कहानी है सिलेक्शन डे की कहानी है क्रिकेट ऑब्वियसली इट इज़ देयर इन द यू नो बैकड्रॉप में है क्रिकेट है इज़ वन ऑफ द लेयर्स ऑफ द शो बट ओवरऑल इट्स अ कमिंग ऑफ एज ऑफ दीज टू ब्रदर्स इट्स अबाउट सिबलिंग इट्स अबाउट लव इट्स अबाउट यू नो काफ़ी चीज़ें हैं इस फिल्म के अंदर और एंड आई कैन से इट्स अबाउट ड्रीम्स ऑफ अ फादर ड्रीम्स ऑफ यू नो ऑफ किड्स एंड ऑफ जो बच्चों का जो ड्रीम होता है और कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने अपने ड्रीम्स को अपने बच्चों के थ्रू फुलफिल करना चाहते हैं और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पिताजी चाहते हैं वो नहीं करना चाहते समझो कि दो बेटे हैं तो एक चाहता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं करना चाहता जो मेरे पिताजी चाहते हैं मैं अपनी ड्रीम फुलफिल करना चाहता हूँ तो ये सारी चीज़ें हैं इस फिल्म इस शो के अंदर जो आपको देखने को मिलेगी सिलेक्शन डे ओके इधर यहाँ ये बीच में आइए देखिए मैं कभी किसी पर इन सब चीज़ों पर कमेंट नहीं करता क्योंकि कभी कभी कुछ पता नहीं होता कि क्या किस लिहाज से किसने क्या बात की है और हमें यू नो जब तक मुझे 100% पता नहीं चलेगा मैं उस पर कमेंट नहीं करता ओके सर लास्ट की ये हफ्ते बाद आपका बर्थडे है तो कोई सेलिब्रेशन कोई स्पेशल प्लानिंग
इस बर्थडे पे काफी कुछ होने वाला है, जस्ट वेट एंड वॉच। स्वाति रिपोर्ट फ्रॉम X9 वर्ल्ड।